हेलो एंड वेलकम, मैं हूँ सागरिका और आप देख रहे हैं बॉलीवुड का हॉटेस्ट न्यूज शो प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज। हम एक बार फिर हाजिर है बॉलीवुड की लेटेस्ट न्यूज एंड हॉट गॉसिप्स लेकर। सो व्हाई वेट, लेट्स स्टार्ट विद टुडेज हेडलाइंस। सलमान खान अभी से फिल्म जय हो के प्रमोशन के लिए क्यों हो गए हैं परेशान। रणवीर सिंह ने कब और क्यों बॉलीवुड के ए लिस्टेड स्टार्स को बनाया अपना निशाना। जॉन अब्राहम की फिल्म वेलकम बैक में किस आइटम गर्ल ने एक आइटम नंबर करने से किया इनकार। सोनाक्षी सिन्हा ने फोटोग्राफर से क्यों मांगी माफी। शाहरुख खान ने रितेश देशमुख की लाइफ का कौन सा सबसे बड़ा सीक्रेट किया रिवील। बताएंगे रणबीर और कटरीना ने कहां एक साथ मनाई दिवाली। आमिर खान ने एकता कपूर और उनकी फैमिली को क्यों नहीं भेजा दिवाली का इनविटेशन। दिखाएंगे राम गोपाल वर्मा का एक्सक्लूसिव इंटरव्यू और आपको लेकर चलेंगे फिल्म बुलेट राजा के सेट पर। प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज की शुरुआत आज की ज़ूमबास्टिक न्यूज से। सलमान खान की फिल्म जय हो क्या इसी साल रिलीज होगी? फिलहाल इस पर क्वेश्चन मार्क बना हुआ है, लेकिन जय हो के डिस्ट्रीब्यूशन राइट्स 110 करोड़ रुपए में बिक गए हैं। इस न्यूज ने जरूर धमाका किया और अब न्यूज आई है कि सलमान और सोहेल दोनों इस बात से नाराज हैं और उनका कहना है कि ये फिल्म 110 करोड़ नहीं बल्कि उससे भी ज्यादा प्राइस में बिकेगी। खान ब्रदर्स के इस दावे में है कितना दम? फाइंड आउट इन अ टॉप स्टोरी। बाजार में सलमान खान की फिल्म जय हो की बोली लग रही है। सलमान खान की फिल्म बिकने के लिए तैयार है। अभी तक 110 करोड़ रुपए में फिल्म के इंडियन और ओवरसीज डिस्ट्रीब्यूशन राइट्स की बोली लगी थी, लेकिन लगता है जय हो का सौदा हो नहीं पाया। सिर्फ 110 करोड़ रुपए की बोली से खान ब्रदर्स का मुंह बन गया है। फिल्म के डायरेक्टर सोहेल खान ने तो यहां तक कह दिया है कि उनकी फिल्म को अंडर सेल ना किया जाए। सोहेल को उम्मीद है कि उनकी फिल्म 180 करोड़ रुपए तक बिक सकती है। सलमान खान की पिछली सुपरहिट फिल्म दबंग 2 के डिस्ट्रीब्यूशन राइट्स 150 करोड़ रुपए में बिके थे और सलमान खान ही अभी तक एक ऐसे स्टार हैं जिनकी पिछली कई फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस पर 100 करोड़ रुपए से भी ज्यादा कमाई की है। ऐसे में सोहेल का जय हो के लिए 180 करोड़ रुपए के लिए उम्मीद लगाना तो बनता ही है। खान ब्रदर्स को लग रहा है कि जितनी ऊंची बोली में फिल्म के राइट्स बिकेंगे उससे फिल्म की उतनी ही बड़ी पब्लिसिटी होगी, क्योंकि फिल्मों का बाजार अब इतनी तेजी से बदल रहा है कि सुपरस्टार्स की फिल्मों से 200-300 करोड़ कमाई की उम्मीद लगाना अब आम बात हो गई है। खुद किंग खान भी ये बात मानते हैं। अब मार्केट बहुत बढ़ गया है। इट विल बी सिली ऑफ अस टू थिंक कि ये दिस इज नॉट गोइंग टू बी, लेट मी टेल यू इट इज नॉट, एक्चुअली वो भी नहीं है, बट यूसेन बोल्ट का 100 मीटर रिकॉर्ड नहीं है कि सालों लगेंगे दुनिया में एक और यूसेन बोल्ट को आने के लिए इसको तोड़ने। ये मार्केट बहुत बदल गई है, लोग बहुत बदल गए हैं, ऑडियंस बहुत बदल गई है, टिकट बहुत बदल गए हैं। ये इंशाल्लाह बार बार टूटता रहेगा एंड मेरी फिल्म से नहीं, आई थिंक सबकी फिल्मों से होना चाहिए। और सुपरस्टार्स का डिस्ट्रीब्यूशन राइट्स के लिए ज्यादा दाम लगाना इसलिए भी जरूरी हो गया है कि अब फिल्म के सैटेलाइट राइट्स बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पर डिपेंड करने लगे हैं, इसलिए रिलीज से पहले ज्यादा कमाई सिर्फ डिस्ट्रीब्यूशन राइट्स से ही हो सकती है। सलमान की दीवानगी के दौर में 180 करोड़ तक राइट्स बेचने की खान ब्रदर्स की कोशिश अगर कामयाब होती है तो बॉलीवुड के लिए आने वाला साल का सबसे बड़ा जय हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जूम मुंबई। रणवीर सिंह ने बॉलीवुड के ए लिस्टेड स्टार्स शाहरुख खान, सलमान खान, आमिर खान और अक्षय कुमार जैसे एक्टर्स को बनाया है अपना निशाना। आप भी देखिए कैसे। 500 करोड़ नहीं कमाए रामलीला। रामलीला बॉक्स ऑफिस पर कमाएगी 500 करोड़। रणवीर सिंह की इस अधूरी बात का क्या मतलब है? ये रणवीर का कॉन्फिडेंस है या फिर ओवर कॉन्फिडेंस? 500 करोड़ नहीं कमाए रामलीला। लेकिन रणवीर सिंह की बात ओवर कॉन्फिडेंस साबित होने से पहले एक चैलेंज की तरह साउंड कर रही है। लग रहा है कि रामलीला के 500 करोड़ कमाने की बात कहकर कि कहीं रणवीर अब तक सिर्फ 100-200 करोड़ की लड़ाई में लगे टॉप बॉलीवुड स्टार्स को चैलेंज तो नहीं कर रहे। वो देखेंगे सर, 500 करोड़ नहीं कमाए रामलीला। चुटकी बजाकर बॉक्स ऑफिस पर 500 करोड़ कमाने का चैलेंज तुम क्या जानो रणवीर बाबू। शायद यही बात ध्यान में आते ही रणवीर चुप हो गए, उन्होंने बात पूरी भी नहीं की। दरअसल हुआ यूं कि मीडिया ने रणवीर से पूछा कि उनकी फिल्म की रिलीज के वक्त जल्द ही रिटायर होने जा रहे सचिन का टेस्ट मैच भी चल रहा होगा और अगर लोग सचिन का मैच देखेंगे तो फिर उनकी फिल्म कौन देखेगा। इतना पूछते ही बेलगाम हो गई रणवीर की जुबान। मैं चाहूँगा कि वो फर्स्ट डे पर सुबह सुबह ओपनिंग करें
और 5 दिन तक वही करते रहे बैटिंग, पूरे 5 दिन के हर एक बॉल को वही फेस करें और 500 रन बनाए, 100 रन दिन के, वो देखेंगे सर 500 करोड़ नहीं कमाए रामी। वैसे अगर रणवीर अपना सेंटेंस पूरा कर जाते तो शायद शाहरुख, आमिर, सलमान और रणबीर कपूर जैसे दिग्गज बॉलीवुड स्टार्स को उनकी बात परेशानी में डाल जाती। आखिर थ्री इडियट्स, एक था टाइगर और चेन्नई एक्सप्रेस जैसी फिल्मों के रिकॉर्ड लंबे इंतजार के बाद बने हैं। अब तक सुपरहिट रही फिल्म्स के लिए स्टार्स ने एवरेज 30 से 40 दिनों का फिल्म प्रमोशन किया है, लेकिन रणवीर प्रमोशन के इस पैटर्न में भी कुछ खास भरोसा नहीं रखते। Set a trend, maybe in the future when I'm a little bit more established. मैं चाहूँगा कि कोई एक्टर को फिल्म प्रमोट करने की ज़रूरत नहीं पड़े. You know, I think we go out and sell our work more than we actually do the work. Talk about the work more than actually doing it. तो आजकल 30 दिन 40 दिन हर कोई बेच रहा है फिल्म. I think it's 5 या 7 दिन में हो जाना चाहिए. I think I would like to change this trend. वैसे रणवीर से पहले इमरान और रणबीर कपूर हद से ज्यादा होने वाले प्रमोशन पर सवाल उठा चुके हैं, इसलिए ये पॉइंट तो बनता ही है, लेकिन एक चुटकी बजाकर 500 करोड़ कमाने की बात रणवीर ने लगता है मजाक नहीं कही है। फॉर चेतना सिंह, जूम, मुंबई। 500 करोड़ नहीं कमाए रामी। क्या रणबीर और कटरीना ने अपने रिश्ते की बात अपने बॉलीवुड फ्रेंड्स के सामने कबूल कर ली है? ये सवाल आजकल हर कोई बॉलीवुड गलियारे में पूछ रहा है और इसकी वजह बना है एक खास पिक्चर जिसे हम आपको दिखाने जा रहे हैं। रणबीर कपूर और कटरीना कैफ अपने रिलेशनशिप को लेकर धीरे धीरे ही सही खुलकर सबके सामने आ रहे हैं। रणबीर और कटरीना को अब तक आपने अकेले पार्टी करते हुए और साथ टाइम स्पेंड करते हुए तो कई बार देखा है, लेकिन अब जरा इन पिक्चर्स पर नजर डालिए। ये नजारा है बच्चन की दिवाली पार्टी का और यहाँ रणबीर और कटरीना दोनों ही बच्चन से मिलने पहुंचे। पार्टी में मौजूद ऑनलुकर्स की माने तो यहाँ रणबीर और कटरीना अपने बॉलीवुड फ्रेंड से इस तरह मिल रहे थे जैसे ये दोनों स्टार्स एक कपल हो। रणबीर और कटरीना ने अब तक अपने रिलेशनशिप हर न्यूज को अंडर रैप्स रखा है। ऐसे में बच्चन की पार्टी में खुलकर इस तरह लोगों से मिलने की खबर से साफ हो गया है कि रणबीर और कटरीना बहुत जल्द मीडिया के सामने भी अपने रिश्ते की बात कबूल कर सकते हैं। वैसे अब तक जब भी मीडिया ने इन दोनों से इनके रिलेशनशिप पर बात करने की कोशिश की है तो जहां रणबीर ने हर बार इस तरह के सवालों को टालने की कोशिश की है। इतनी बार कटरीना श्रीलंका गई, अब श्रीलंका से आए हैं तो दोनों ही भाई साहब की फिल्में आप कर रहे हैं, लेकिन क्या डर है, बोल क्यों नहीं देते? क्या बोल? हाँ हमें मोहब्बत, क्या आप सुनना क्या चाहते हो? अरे हाँ हमें मोहब्बत है, ये आप बोल क्यों नहीं देते? मेरे मम्मी पापा भी मुझे नहीं पूछते यार। वहीं कटरीना से जब भी रिलेशनशिप को लेकर सवाल पूछने की कोशिश की गई तो उन्होंने मीडिया के कैमरास की तरफ देखना ही बंद कर दिया है। यही नहीं, कटरीना कैफ अपने इस रिश्ते को दुनिया की नजरों से पूरी तरह से बचाए रखने के लिए किसी भी मीडिया इवेंट को अटेंड नहीं कर रही हैं। सुनने में तो यहाँ तक आया है कि कटरीना कैफ ने अपने ब्रांड्स को ये स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन दे रखी है कि वो हाल फिलहाल कोई भी मीडिया इवेंट ऑर्गेनाइज ना करे। ऐसे में कैट और रणबीर कपूर के ये पिक्चर्स मीडिया में आना काफी सरप्राइजिंग है, क्योंकि ये दोनों ही स्टार्स पिछले कुछ समय से अपनी पर्सनल लाइफ को गार्ड करने की कोशिश कर रहे हैं। वेल, जो भी हो, फिलहाल के लिए इन पिक्चर्स को देखने के बाद ये कहा जा सकता है कि आने वाले दिनों में कटरीना और रणबीर पब्लिकली अपने रिश्ते की अनाउंसमेंट जरूर कर सकते हैं। फॉर हार्दिक तन्ना, जूम, मुंबई। एक्ट्रेस सोनाक्षी सिन्हा का मीडिया से हमेशा से रिश्ता काफी अच्छा रहा है, लेकिन कल शाम मुंबई के एक रेस्टोरेंट के बाहर ऐसा कुछ हुआ कि सोनाक्षी को मीडिया फोटोग्राफर से मांगनी पड़ी माफी। आप भी देखिए क्यों। कल शाम सोनाक्षी सिन्हा को हमने स्पॉट किया मुंबई के एक रेस्टोरेंट में, जहां वो अपने कुछ खास फ्रेंड्स के साथ खाना खाने पहुंची थी। सोनाक्षी के इस रेस्टोरेंट में पहुंचने की खबर के बाद यहां कई फोटोग्राफर्स भी पहुंच गए थे, और जिस वक्त सोनाक्षी यहां से वापस जा रही थी उस वक्त सोनाक्षी के ड्राइवर ने गाड़ी अचानक तेज रफ्तार से वहां आगे ले जाने की कोशिश की, जिससे एक फोटोग्राफर को चोट भी लग गई। जिसके बाद फोटोग्राफर्स ने फोन करके सोनाक्षी से इस पर अपनी नाराजगी जताई, और फिर सोनाक्षी ने इस पूरे इंसिडेंट के लिए माफी भी मांगी। साथ ही सोनाक्षी ने उस फोटोग्राफर से पर्सनली बात करके इस पूरे मामले को खत्म कर दिया। हार्दिक तन्ना, जूम, मुंबई।
आमिर खान धूम 3 के प्रमोशनल प्लान की डिटेल धीरे धीरे मीडिया के सामने रिवील कर रहे हैं, लेकिन अभी भी अपनी पूरी प्रमोशनल प्लान की डिटेल आमिर ने किसी के साथ शेयर नहीं की है। लेकिन आज प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज के ऑडियंसेस के लिए हम लेकर आए हैं आमिर के प्रमोशनल प्लान की कुछ खास डिटेल्स। यूनाइटेड स्टेट्स में आमिर, एक इंडस्ट्रियलिस्ट की बर्थडे पार्टी में आमिर, मुंबई एयरपोर्ट पर आमिर, और रिसेंटली अपने फिल्म के प्रमोशंस पर आमिर। आमिर खान को पिछले कुछ दिनों में जहां भी स्पॉट किया गया है, उनका बस यही एक लुक हर जगह सामने आया है। Well, अब आप सोच रहे होंगे कि आमिर खान आखिर अपने इस लुक को हर जगह क्यों प्रमोट करने में लगे हुए हैं। तो जनाब, दरअसल बात यह है कि धूम 3 में आमिर इसी लुक में नजर आने वाले हैं, और फिल्म के प्रमोशनल स्ट्रेटजी के तहत आमिर खान ने डिसाइड किया है कि अपनी फिल्म की रिलीज तक वो हर मीडिया इवेंट या नॉर्मल इवेंट्स में इसी लुक में नजर आएंगे। आमिर खान हर बार अपने यूनिक प्रमोशनल प्लान से सबको इम्प्रेस करते आए हैं, और इस बार भी धूम के लिए आमिर ने एक स्पेशल प्रमोशनल प्लान बनाया है जिसका ये लुक एक छोटा सा हिस्सा है। वैसे आमिर अपनी हर फिल्म की रिलीज के वक्त अपने कैरेक्टर का ही लुक अपनाते हैं, चाहे वो गजनी की रिलीज के वक्त का उनका ये बॉल्ड लुक हो या फिर फिल्म मंगल पांडे द राइजिंग की रिलीज के वक्त का ये मस्टैश लुक। वैसे फिलहाल आमिर ने धूम 3 के अपने प्रमोशनल प्लान के सारे पत्ते नहीं खोले हैं। ऐसे में ये देखना इंटरेस्टिंग होगा कि इस बार आमिर ऑडियंसेस को किस तरह के प्रमोशनल प्लान से चौंकाने की तैयारी कर रहे हैं। फॉर कुणाल मांडलेकर, जूम मुंबई। फिल्म रिलीज के बाद भी फिल्म का प्रमोशन करना बॉलीवुड में एक नया ट्रेंड बन गया है, और इसी ट्रेंड को फॉलो करते हुए नजर आए ऋतिक रोशन और विवेक ओबेरॉय। बॉक्स ऑफिस पर फिल्म क्रिश 3 को मिल रहे रोरिंग सक्सेस से पूरी रोशन फैमिली की खुशी का ठिकाना नहीं है, और रिसेंटली ऋतिक रोशन अपनी फिल्म के को-स्टार्स विवेक ओबेरॉय के साथ एक सिंगल स्क्रीन थिएटर पहुंचे ऑडियंसेस का रिएक्शन देखने। साथ ही ऋतिक ने मीडिया से बात करते हुए बताया कैसे उनके डैड ने इतना बड़ा रिस्क लिया था जो फाइनली सक्सेसफुल साबित हुआ है। हम लोग तो बहुत खुश हैं, इतनी मेहनत की है उसका फल आज मिल रहा है हम सबको। तो दी एंटायर आई एम प्राउड, सो प्राउड ऑफ दी एंटायर टीम ऑफ क्रिश, वेरी हैप्पी फॉर माय फादर जिन्होंने ये रिस्क लिया। बहुत बड़ा रिस्क था, और जैसे कि कहते हैं कि इफ़ यू ट्रूली वांट टू अचीव समथिंग इन लाइफ यू हैव टू टेक द लीप ऑफ फेथ, तो ये हमारा लीप ऑफ फेथ था एक, और आज वी कैन सी द रिवॉर्ड्स। साथ ही विवेक ओबेरॉय का सिर्फ इतना ही कहना था कि फिल्म को मिली सक्सेस से वो बहुत खुश है। I'm over the moon, man. I'm so happy. Well, क्रिश 3 को रिलीज हुए अभी 4 ही दिन हुए हैं। वी होप फिल्म बॉक्स ऑफिस पर अर्निंग के नए रिकॉर्ड्स बनाएगी। हार्दिक तना, जूम मुंबई। शाहरुख खान ने रितेश देशमुख की लाइफ की एक ऐसी सच्चाई सबको बता दी है जिसके बारे में बहुत ही कम लोग जानते हैं। आप भी देखिए क्या है रितेश का ये सीक्रेट। रितेश देशमुख को बॉलीवुड में एज एन एक्टर तो सभी जानते हैं, लेकिन रितेश एक क्वालिफाइड इंटीरियर डिजाइनर भी है इसके बारे में बहुत ही कम लोगों को पता है, और रितेश के इस सीक्रेट को अब बॉलीवुड बादशाह शाहरुख खान ने सबके सामने रिवील कर दिया है। जी हाँ, रिसेंटली शाहरुख ने अपनी सोशल नेटवर्किंग साइट पर लिखा, नेवर सेड दिस बट द रेड चिलीज ऑफिस हैज बीन डिजाइंड बाय द एवर वंडरफुल रितेश देशमुख, थैंक्स माय मैन एंड डू कम फॉर सम कॉफी सून। जी हाँ, शाहरुख ने ये न्यूज लिखकर सबको चौंका दिया है कि उनके ऑफिस के इंटीरियर्स को रितेश देशमुख ने डिजाइन किया है। वैसे शाहरुख से मिले इन प्रेजेस को रितेश ने एक्सेप्ट करते हुए अपने सोशल नेटवर्किंग हैंडल के थ्रू शाहरुख को थैंक यू कहा। थैंक यू शाहरुख खान फॉर हैविंग फेथ इन मी टू डिजाइन द रेड चिलीज ऑफिस विदाउट इवन सीइंग एनी ऑफ माय वर्क। वेल, लगता है कि अब शाहरुख से मिले इन प्रेजेस के बाद रितेश अपने इंटीरियर डिजाइनिंग की क्वालिफिकेशन को सीरियसली लेने वाले हैं। ऐसे में अगर कुछ दिनों में रितेश अपने इंटीरियर डिजाइनिंग के बिजनेस को लॉन्च करते नजर आ जाएं, तो इसमें किसी को ज्यादा हैरानी नहीं होनी चाहिए। फॉर कुणाल मांडलेकर, जूम मुंबई। एक्ट्रेस काल्की के बाद अब उनके हस्बैंड ने भी मोलेस्टेशन के खिलाफ एक स्पेशल शॉर्ट फिल्म बनाई है। आइए आपको देते हैं इस शॉर्ट फिल्म की कुछ खास डिटेल्स।
स्टैंडिंग अप फॉर वुमेन एंड अगेंस्ट रेप एंड मोलेस्टेशन, कल्की कुचलिन और उनके दोस्तों ने बनाया था एक वीडियो जो कि एक सटायर था। और अब अपनी पत्नी के फुटस्टेप्स फॉलो करते हुए अनुराग काश्यप ने बनाई है एक 21 मिनट की शॉर्ट फिल्म जो कि बेस्ड है ईव टीजिंग के थीम पर। अनुराग काश्यप लार्ज शॉर्ट फिल्म दैट डे आफ्टर एवरी डे स्टारिंग संध्या मृदुल, राधिका आप्टे, अरण्या कौर एंड गीतांजलि थापा वॉज रिलीज्ड ऑनलाइन ऑन 29 अक्टूबर 2013। Since then, the film, which is a woman-centric film, has received almost 1,034,285 hits online. It revolves around three women who overcome their helplessness in a situation where e-teasing had become a daily routine in their life, and when no one was willing to help them from within the society. E-teasing jaise sensitive issue ho ya koi bada issue, we have seen Bollywood has always come forward and contributed and raised their voice against such issues. We hope inke ye steps society mein kuch needful changes la paaye. For Rudrani Chaturaj, Zoom, Mumbai. जॉन अब्राहम के साथ काम करना आजकल कई एक्ट्रेसेस का सपना है, लेकिन बॉलीवुड की एक आइटम गर्ल ने जॉन के साथ फिल्म वेलकम बैक में एक आइटम नंबर करने से कर दिया है इनकार। क्या है इसकी वजह? लेट्स फाइंड आउट। एक एक्ट्रेस ने जॉन अब्राहम के साथ काम करने से कर दिया इनकार। वो एक्ट्रेस नहीं लगाना चाहती जॉन के साथ ठुमके। फिल्म वेलकम बैक में एक ग्रैंड आइटम सॉन्ग होने वाला है, ये खबर तो हमने आपको पहले ही दे दी थी। इस फिल्म में आइटम सॉन्ग के लिए पहले हुमा कुरैशी को चूज भी कर लिया था, लेकिन क्या आपको पता है कि इस फिल्म का आइटम सॉन्ग राखी सावंत को भी ऑफर किया गया था? और सबसे शॉकिंग बात तो ये है कि उन्होंने इस ऑफर को ठुकरा भी दिया। वेल यस, यू हर्ड इट राइट, राखी रिजेक्टेड द सॉन्ग ऑफर ऑपोजिट जॉन अब्राहम। और वजह जॉन का इस सॉन्ग में होना नहीं, बल्कि वजह यह है कि इस गाने में राखी को दो और आइटम गर्ल्स के साथ स्क्रीन स्पेस शेयर करनी पड़ती, जो राखी को गवारा नहीं था। राखी को ये सॉन्ग चाहिए तो था, पर उन्हें सोलो नंबर करना पसंद है, इसलिए उन्होंने बिना कुछ ज्यादा सोचे इस गाने के लिए मना कर दिया। जो राखी बड़े बड़े स्टार्स के लिए आए दिन दुआएं मांगती रहती है, वी होप उनकी ये दुआ भी जल्द ही कबूल हो। फॉर चेतना सिंह, जूम, मुंबई। प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको बताएंगे आमिर खान ने एकता कपूर और उनकी फैमिली को क्यों नहीं भेजा दिवाली का इनविटेशन, और साथ ही बताएंगे क्रिश 3 के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की डिटेल्स। बॉलीवुड से जुड़ी कोई भी न्यूज आपसे ना हो जाए मिस, इसलिए बॉलीवुड की हर छोटी से लेकर बड़ी खबर हम आपके लिए रोज लेकर आएंगे हमारे खास सेगमेंट बिट्स एंड बाइट्स में। खबरों की माने तो इस साल एकता कपूर ने इमरान खान और उनकी वाइफ अवंतिका को अपने घर पर हुए बिग दिवाली बैश पर इनवाइट नहीं किया था, जिससे इमरान खान के मामूजान आमिर खान एकता कपूर से काफी खफा हैं। और सुनने में आया है कि यही वजह थी कि आमिर खान के दिवाली बैश की गेस्ट लिस्ट से कपूर का नाम हटा दिया गया। रिसेंटली एक्टर्स रणवीर सिंह और दीपिका पादुकोण ने अपनी दिवाली स्पेशल तरह से मनाई। सोर्सेज की माने तो दिवाली को सेलिब्रेट करने के लिए ये दोनों स्टार्स एक स्पेशल डिनर पर गए और साथ ही काफी टाइम एक साथ स्पेंड किया। एक्टर सलमान खान ने फाइनली न्यू एंट्री में एंट्री के मेकर्स को अपनी डेट्स अवेलेबल करवा दी है। सुनने में आया था कि अनीस बासमी से प्रॉब्लम की वजह से सलमान खान इस फिल्म के मेकर्स को टफ टाइम दे रहे हैं, लेकिन अब कहा जा रहा है कि अपने अच्छे फ्रेंड बोनी कपूर की रिक्वेस्ट पर सलमान खान ने अपनी डेट्स इस फिल्म को दे दी है। खबरों की माने तो रिसेंटली रणबीर कपूर और कटरीना कैफ को बच्चन की दिवाली पार्टी में एक साथ स्पॉट किया गया। सोर्सेज की माने तो इस पार्टी में रणबीर और कैट सबसे ऐसे मिल रहे थे जैसे इन्होंने अपने बॉलीवुड फ्रेंड्स के बीच अपने रिलेशनशिप की बात ऑलरेडी कबूल कर ली है। क्रिश 3 की लास्ट 3 डेज की अर्निंग की डिटेल सामने आ गई है। इस फिल्म ने 3 दिन में 72.7 करोड़ का कलेक्शन किया है, और ट्रेड एक्सपर्ट्स का मानना है कि आने वाले 2 दिनों में ये फिल्म 100 करोड़ मार्क को यूं ही टच कर जाएगी। डायरेक्टर अनुराग काश्यप ने अपने अपकमिंग टेलीविजन सीरीज के लिए नवाजुद्दीन सिद्दीकी और केके मेनन को साइन कर लिया है। इस शो में अमिताभ बच्चन लीड रोल प्ले करते हुए नजर आएंगे। एक्ट्रेस अनुष्का शर्मा ने प्रोड्यूसर हैट पहनते ही अपनी फिल्म NH10 के लिए डिसीजन लेना शुरू कर दिया है। सुनने में आया है कि अनुष्का ने इस फिल्म से एक्टर राजकुमार यादव को बाहर का रास्ता दिखा दिया है और एक न्यू कमर एक्टर को साइन कर लिया है। खबरों की माने तो यो हनी सिंह और हिमेश रेशमिया एक फिल्म में एक साथ काम करते हुए नजर आ सकते हैं, और इस फिल्म का नाम दी एक्सपोज हो सकता है। हनी सिंह इस फिल्म से बॉलीवुड में डेब्यू करने जा रहे हैं। और अब वक्त है स्टार चिट चैट का।
मेरे साथ एक ऐसे शख्स हैं जो इंडिया के नामी फिल्म मेकर हैं, मगर आज उनका इंटरव्यू करते हुए मुझे भी थोड़ा सा डर लग रहा है। रामू, क्या मुझे खतरा है आपका इंटरव्यू करने में? जैसे आप सोचे। लेकिन आप क्या कहेंगे, सुनने में आ रहा है काफ़ी धमकी होंगी आपको मिल रही है आजकल। जैसे मुझे कोई धमकी नहीं मिला, जब पुलिस ने मुझे बोली थी उनके कुछ इन्फॉर्मेशन मिला है और बिकॉज ऑफ दैट दे वांटेड टू प्रोवाइड सिक्योरिटी। बट ये किस तरह की इन्फॉर्मेशन है कि आई मीन अचानक से सिक्योरिटी? उसका डिटेल्स उसने बताया नहीं मुझे। आई एम श्योर दे विल हैव देयर ओन रीजंस फॉर दैट। अगर आई मीन मुझे ये भी पता नहीं कि वो सत्या टू का जो सब्जेक्ट मैटर है, जैसे मैंने जो भी उसका कॉन्टेंट है उसके उससे कनेक्टेड है या नहीं, वो भी मुझे पता नहीं। द पॉइंट इज फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आई डोंट एवर गेट स्केयर्ड, वो मेरा नेचर है। और एंड आई ऑल्सो नो कि समवन वॉन्टिंग टू हर्ट मी और वॉट एवर, आई रियली डोंट नो देयर इज अ रीज़न फॉर दैट। लेकिन मैं मेरा ऐसा सोचना है, लेकिन कोई दूसरा क्या सोचेगा वो तो मुझे पता नहीं। सत्या टू की बात करें तो जो रिलीज़ होने वाली थी नहीं हो पाई, पुश हो गई, क्या एग्जैक्टली डिले के रीजंस क्या थे? इट वाज सम इश्यूज हमारा स्टाफ और जो पार्टनर का जो स्टाफ के बीच में कुछ मिसकम्युनिकेशन और जैसे कुछ प्रॉब्लम्स हुए, लेकिन दैट इज़ बीन सॉर्टेड सिंस। वॉट एवर इश्यूज वर इंटरनल इन टर्म्स ऑफ जो भी पिक्चर के जो भी जिस तरह की पब्लिसिटी हो रहा है या प्रोडक्शन हो रहा है उसकी तरफ से, एंड फैमिली इट वॉज मिसकम्युनिकेशन, वो सब सॉर्ट होने के बाद वी आर टुगेदर। सत्या की बात करें तो एक रिंकू मात्रे, उर्मिला मातोंडकर थी, मनोज वाजपेयी थी। जब आपने सत्या टू बनाया तो कहीं ना कहीं अपने पुराने एक्टर्स को आपने याद किया? सी, पहली बात है कि सत्या टू का जो सब्जेक्ट मैटर बिल्कुल हटके बिल्कुल अलग है सत्या से, और एक मैं एक फ्यूचरिस्टिक फिल्म बनाने को कोशिश कर रहा हूँ जहाँ एक ऐसी अंडरवर्ल्ड का आदमी कोई आ गया तो क्या होगा ये सोच के, तो उससे कुछ लेना देना नहीं। सो आई थिंक दिस इज सो कैरेक्टर्स का भी ताल्लुक नहीं, सो देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ मी थिंकिंग अबाउट कैरेक्टर्स फ्रॉम अर्लियर फिल्म। ओके, अमिताभ बच्चन आपकी पार्टी में आए थे, उनसे कुछ जिक्र हुई इस बारे में, अमिताभ जी ने कुछ देखा? जो भी पार्टी में देखे थे बस उतना ही। फिल्म पोस्टर पर लिखा है दाऊद रिटायर हो गए, ये सारी चीजें क्या मानते हैं आप? आई मीन आपको लगता है डायरेक्ट नाम लेना थोड़ा सा रिस्क था, और कहीं ना कहीं क्या सी एक पॉइंट है कि इसी ये एक कैरेक्टर फिल्म में एक कैरेक्टर का जो मानना है, सो वो सोचता है कि अगर सी ऑलवेज एक एलिगेशन है मीडिया में लिखी जाती है, लेकिन सच बात ये है कि बहुत से सारे डॉन कई सालों से कुछ करने रहे, जो भी उनका उनका रीजन्स है वो दूसरा बात है। 21st को एक स्टोरी आया था, दाऊद इज इनएक्टिव, अगर लास्ट केस अगर आप दाऊद की छोड़ दिया तो 1993 में ब्लास्ट केस में उनका एक्यूज्ड एक है, लेकिन अगर वो क्राइम छोड़ दिया तो बाकी लिच में बिजनेस में गया या तो जो भी रीज़न हो सकता है मुझे पता नहीं, लेकिन स्टोरी के अंदर एक बंदा ये सोचता है कि इसलिए कि पुराने सबसे बड़े डॉन आजकल कुछ ज़्यादा नहीं कर रहे तो मैं शायद उनमें से थोड़ा सीख कर मैं एक नया गैंग बनाऊँगा, ये अपना सोच है। आप क्या सोचते हैं, क्या सच में दाऊद रिटायर हो चुका है? बिकॉज हाल ही में किसी मैच फिक्सिंग में दाऊद का नाम आ रहा था। इसी नाम एक्यूजेशन ऑफ ए मैन कोई भी होता है तो पुलिस में एक्यूजेशन होता है एक्यूजेशन, और दूसरी बात है कि जिस तरह की क्राइम से आप जुड़ रहे हैं स्मॉल थिंग्स देर आर नो सर ऑल प्रैक्टिकल पर्पज। अगर मैं 20 साल से मैं कोई फिल्म नहीं बनाया तो लोग बोलेंगे कि मैं रिटायर हो गया, लेकिन अगर मेरे में काबिलियत है होगा या नहीं होगा वो दूसरी बात है, लेकिन लोग तो ये कहेंगे। सो ये कैरेक्टर का सोच है। ओके, जब हम आपसे बात करते हैं, राम गोपाल वर्मा की बात करते हैं और करण जौहर का नाम ना है, आई मीन इट्स नॉट पॉसिबल। जब भी सत्या टू या 2611 इस टाइप की आपकी फिल्म आती हैं तो हमेशा हम लोग ट्विटर वॉर देखते हैं आपके और उनके बीच, क्या रीज़न क्या होता है कि फिल्म रिलीज़? सी पहली बात ये है कि मैं करण को कभी मेरी पूरी लाइफ में एक नेगेटिव कमेंट नहीं दिया आज तक, एक पॉइंट ये है। दूसरा पॉइंट ये, जो भी मैंने कॉम्प्लीमेंट दिया और मीडिया ने उसको उल्टा घुमा फिरा के दे मेड दैट समथिंग, सो उसके बारे में भी बात करने का कोई देयर इज नो पॉइंट। ओके, एक बार आपने बहुत पहले कहा था कि जब करण की कुछ कुछ होता है आई थी और मेरी सत्या आई थी, और तब से करण काफ़ी ऊपर हो गए, मैं नीचे आ गया। सो व्हाट इज आई मीन बट दैट इज द रीजन यू कैन सी द फैक्ट नाउ एवरीवेयर। ओके, तो ये सब जो चीज़ें होती हैं अगर कहा जाए तो ट्विटर वॉर एंड ऑल, आपको क्या लगता है प्रमोशंस में क्या हेल्प कर पाती है? क्या बोला, कोई भी आदमी एक पिक्चर देखता है उसको प्रमो अच्छा लगा, शायद अगर स्टार कास्ट का पिक्चर है तो स्टार से अच्छा लगा, या सब्जेक्ट मैटर पसंद है सब्जेक्ट मैटर, ट्विटर वार से पब्लिसिटी का क्या मतलब है? नहीं, पब्लिक सोचती है ना कि आखिर
आई मीन अब तक तो नहीं, लेकिन आखिर अचानक ऐसी चीज़ें कैसे आ गई कि वो बात भी बिल्कुल, मैं कभी भी कोई भी ट्विटर में मैं शायद दिन में एक दो तीन बार मैं करता हूँ, ऑल द टाइम माई फिल्म्स आर नॉट रिलीजिंग। आजकल एक नया ट्रेंड चला है कि डायरेक्टर प्रोड्यूसर्स जो हैं एक दूसरे की फिल्म में एक्ट करते हैं, कभी मौका हम देख सकते हैं कि करण आपकी फिल्म में कभी एक्टिंग करते हुए नजर आया या आप करण की फिल्म में अगर ऑफर मिला तो? जैसे कोई भी कास्टिंग रोल के हिसाब से और सूटेबिलिटी के हिसाब से होती है। एट द एंड ऑफ द डे मेरे पिक्चर में कभी ऐसा है, मैं समझो अगर करण को इंटरेस्ट है मैं करण को अप्रोच करूँगा उस वक्त, बिकॉज मेरा काम है डायरेक्टर टू कास्ट एन एक्टर वो थिंक सूट्स द रोल, और एक्टर का इंटरेस्ट है वो करने का नहीं करने का, दैट हैपेंस ऑन ए म्यूचुअल थिंग एट द पॉइंट ऑफ टाइम अगर आए तो। और अगर आपको करण ऑफर देते हैं तो इस तरह का सेम थिंग यू विल डू? या ओके। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ जो इंडस्ट्री को एक तरह से कहा जा रहा है कि रूल्स कर रहे हैं खान से नॉल, क्या कुछ नए प्रोजेक्ट्स आप उनके साथ भी लॉन्च करने की सोच? मैं कभी भी मेरी करियर में एक एक्टर को सोच के मैंने कभी फिल्म नहीं बनाया, सो दैट एक हज़ार बार में क्वेश्चन भी सेम आंसर दिया हूँ। तो नए और टारगेट्स क्या? आई मीन आप हमने देखा है कभी हमेशा आप रियल स्टोरी उठाते हैं जो रियल लाइफ से इंस्पायर हो, कुछ नया आपके टारगेट पे है जो आपने सोचा हो जैसे नेक्स्ट? नो, आई वांट टू मेक ए लव स्टोरी और आल्सो आई एम थिंकिंग आई एम मेकिंग ए मार्शल आर्ट फिल्म। प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज़ में फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। बॉलीवुड स्टार्स के फैंस अपने फेवरेट स्टार को कितनी अच्छी तरह से जानते हैं? क्या अपने फेवरेट स्टार के लाइफ से जुड़ी हर न्यूज की खबर होती है फैंस के पास? वेल, इन्हीं सवालों का जवाब जानने की कोशिश करते हैं हमारे खास सेगमेंट चैटरजी में। फिल्म क्रिश 3 अभी हाल ही में रिलीज हुई है और बॉक्स ऑफिस पर अच्छा कर रही है। आइए चेक करते हैं हमारे जूमर्स का ज्ञान और जानते हैं कि वो सुपर हीरो के बारे में कितना जानते हैं और बॉलीवुड के कौन से स्टार को सुपर हीरो की रोल में पसंद करेंगे। अच्छा, मुझे बताइए कि ये है सुपरमैन। यस, सुपरमैन है। और बताइए कि बॉलीवुड का वो कौन सा स्टार है जिसे आप सुपरमैन के रोल में देखना चाहें? लाइक ऋतिक रोशन। मैं जानना चाहती हूँ कि बॉलीवुड का वो कौन सा स्टार है जिसे आप बैटमैन के लुक में देखना चाहते हैं? आई थिंक आई वुड से अक्षय कुमार। व्हाई? कुछ डिस्क्राइब करना चाहेंगे इस फोटो के जरिए अक्षय कुमार के लिए? बिकॉज आई थिंक इन आवर इंडस्ट्री अक्षय कुमार इज द ओनली वन हु हैज एन एथलीट बॉडी। आप किस बॉलीवुड के किस स्टार को स्पाइडरमैन के लुक में देखना चाहेंगे अगर मैं बात करूँ तो? अजय देवगन। कुछ खास वजह अजय देवगन को क्यों? आई थिंक मेरे को अजय देवगन अच्छा लगता है इसलिए अजय देवगन। अच्छा, मुझे बताइए बॉलीवुड का वो कौन सा स्टार है जिसे आप स्पाइडरमैन के लुक में देखना चाहेंगे? ऋतिक रोशन। क्यों, कोई खास वजह? नहीं, एक्चुअली यस्टरडे ओनली आई वॉच कृष्णा, सो आई हैव ऑल दैट आयरन मैन एंड स्पाइडरमैन टाइप ऑफ लुक्स इन माय माइंड। अच्छा, आप मुझे बताइए कि स्पाइडरमैन की अगर मैं लुक की बात करूँ तो इस अवतार में, इस रोल में आप बॉलीवुड का वो कौन सा स्टार है जिसे देखना पसंद करेंगे? आई वुड लाइक टू सी अजय देवगन इन दैट फॉर्म बिकॉज ही इज समथिंग वेरी अनयूजुअल एंड नेवर सीन इन सच रोल्स। बॉलीवुड का वो कौन सा स्टार है जिसे आप सुपर हीरो के रोल में पसंद करेंगे? सुपरमैन। ओ, आई वुड लाइक टू सी ऋतिक रोशन। ऋतिक रोशन। कोई खास वजह ऋतिक रोशन को आप सुपर? ये है पिक्चर, आप बताएंगे क्या कोई खास वजह है? नहीं, ऐसे ही, मतलब ऋतिक रोशन का बॉडी अच्छा है, हाइट अच्छा है इसलिए। अच्छा, मुझे बताइए कि बॉलीवुड का वो कौन सा स्टार है जो बैटमैन के रोल में बहुत यू नो एकदम परफेक्ट रहेगा? आई थिंक अक्षय कुमार। ये है स्पाइडरमैन की पिक्चर। तो मुझे बताइए बॉलीवुड का वो कौन सा हीरो है, स्टार है जिसे आप स्पाइडरमैन के यू नो रोल में देखना पसंद करेंगे? स्पाइडरमैन, आई थिंक आदित्य रॉय कपूर। कोई खास वजह? आई थिंक ही इज नाइस, ही इज मस्कुलर एंड अ हंक, सो आई थिंक ही लुक नाइस इन दिस। मुझे बताइए, मेरे पास है बैटमैन का पिक्चर, ये मैं आपके हाथ में देना चाहूँगी, और बताइए बॉलीवुड, दिखाइए यहाँ पे कैमरे पे दिखाते हुए कि बताइए बॉलीवुड का वो कौन सा हीरो है जिसे आप बैटमैन के यू नो रोल में पसंद करेंगे? सलमान खान। कोई खास वजह? मेरा फेवरेट है, उसकी बॉडी सब सूट करती है। ये मेरे हाथ में स्पाइडर मैन का पिक्चर, सो बताइए बॉलीवुड का वो कौन सा स्टार है जो स्पाइडर मैन के रोल में एकदम यू नो फिट हो जाएगा? रणबीर कपूर। कोई खास वजह? He's thin enough, मतलब अच्छा दिखेगा, स्मार्ट भी है। तो बॉलीवुड का वो कौन सा स्टार है जो बैटमैन के रोल में एकदम परफेक्ट होगा? सी, आई थिंक ऋतिक रोशन इज द बेस्ट बिकॉज ही हैज ऑल द गुड पर्सनालिटी, फिट बॉडी, वेरी ब्यूटीफुल प्रीटी आईज एंड ही इज सो हैंडसम। ऋतिक रोशन। कोई खास वजह, क्या कारण है कि जो ऋतिक रोशन आपको लगते हैं कि इस रोल के लिए परफेक्ट है? वही फिट है, लाइक क्रिश 3 भी उसने किया, बहुत परफेक्ट है वो। अगर मैं सुपर हीरो की बात करूँ तो सुपर हीरो के रोल में कौन सा वो बॉलीवुड का हीरो होगा जो सबसे परफेक्ट होगा? जॉन इब्राहिम। जॉन इब्राहिम क्यों?
बिकॉज ऑफ हिज फिजिक. सेकेंड ऑप्शन इज रणबीर कपूर. अब रणबीर कपूर की बारी क्यों आई? मैं बहुत बड़ी फैन हूँ रणबीर. अच्छा, आप अगर आप किसी भी हीरो के फैन हैं तो आपकी मतलब आप पर्सनैलिटी देखना चाहिए ना, रणबीर को भी देखना चाहिए क्योंकि वो हर चीज़ में कॉमेडी में कर रहा था, सुपर हीरो में रोल करना चाहिए, तो रणबीर इज अ परफेक्ट. अच्छा, इवन जॉन. प्लान बॉलीवुड न्यूज में फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का. ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे आज के पूरे एपिसोड का रीकैप एक खास सेगमेंट पीवी न्यूज एक्सप्रेस पे, और साथ ही दिखाएंगे हमारे ट्विटर क्वेश्चन पर क्या रहा ऑडियंसेस का रेस्पॉन्स. प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज के जूमर्स जो अभी अभी हमारे साथ जुड़े हैं उन्होंने आज का धमाकेदार एपिसोड मिस कर दिया है, लेकिन डोंट वरी क्योंकि हम आपके लिए लेकर आए हैं आज के धमाकेदार एपिसोड का एक स्पेशल रिकैप सेगमेंट. टेक अ लुक. गंदी बात. ईव टीजिंग को गंदी बात साबित करने के लिए अनुराग कश्यप ने बनाई है एक शॉर्ट फिल्म. ईव टीजिंग पर बेस्ड अनुराग कश्यप की ये फिल्म 21 मिनट्स की है. बता दें कि रिसेंटली अनुराग की वाइफ कल्की ने भी एंटी रेप एंड एंटी वायलेंस अगेंस्ट वुमेन पर एक वीडियो पब्लिक किया था. सुनने में आया है कि रिसेंटली शाहरुख खान ने रितेश देशमुख को अपने ऑफिस की एक बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी सौंपी, लेकिन आपको ये ना लगे कि रितेश ने कहीं एसआरके का प्रोडक्शन रेड चिलीज तो नहीं ज्वाइन कर लिया. इसलिए बता दें कि ये मामला एसआरके के ऑफिस के इंटीरियर्स का है. दरअसल रितेश एक एक्टर होने के अलावा आर्किटेक्ट की डिग्री भी रखते हैं. रितेश की एज एन आर्किटेक्ट स्किल्स का ये खुलासा एसआरके ने एक सोशल नेटवर्किंग साइट पर किया है. सुनने में आया है कि राखी सावंत ने जॉन अब्राहम की अपकमिंग फिल्म वेलकम बैक का एक आइटम नंबर करने से इनकार कर दिया है. सोर्सेस की माने तो इस आइटम नंबर में राखी के अलावा दो और एक्ट्रेसेस की जगह थी, जबकि राखी सोलो आइटम सॉन्ग करना चाहती थी. हालांकि बड़बोली राखी कई बार खुद भी टॉल क्लेम्स करती रही हैं. ऐसे में इस खबर की सच्चाई जल्द ही पता चल जाएगी कि उन्हें ये सॉन्ग ऑफर हुआ भी था या नहीं. सुनने में आया है कि आमिर खान के दिवाली बैश की गेस्ट लिस्ट से जितेंद्र और उनकी फैमिली का नाम लास्ट मोमेंट में हटा दिया गया. दरअसल एकता कपूर ने भी अपने घर एक ग्रैंड प्री दिवाली बैश ऑर्गेनाइज किया था, लेकिन हर साल इमरान और उनकी वाइफ अवंतिका को इनवाइट करती आई एकता ने जब इस बार इस कपल को इनवाइट नहीं किया, कहा जा रहा है कि इसी वजह से नाराज इमरान के मामू आमिर ने भी कपूर फैमिली का नाम अपनी गेस्ट लिस्ट से हटा दिया. रिपोर्टेडली दीपिका पादुकोण और रणवीर सिंह ने दिवाली साथ मनाई. सोर्सेस की माने तो दिवाली पर रणवीर और दीपिका एक स्पेशल डिनर पर गए थे और एक दूसरे के साथ काफी टाइम स्पेंड किया. वैसे रणवीर दीपिका के ऑफ स्क्रीन लिंकअप की ये लीला उनकी फिल्म रामलीला के वक्त से लगातार सुनने में आ रही है. खबर है कि अनुष्का शर्मा ने एक्टर राजकुमार यादव को NH10 से बाहर का रास्ता दिखा दिया है. दरअसल अनुष्का NH10 की को प्रोड्यूसर हैं. वैसे वरुण धवन और सिद्धार्थ मल्होत्रा जैसे कई यंग स्टार्स विमेन सेंट्रिक फिल्म की वजह से इस फिल्म का लीड रोल रिजेक्ट कर चुके हैं. उस पर सोर्सेस की माने तो अब अनुष्का ने राजकुमार यादव की जगह एक न्यू कमर को फाइनल कर लिया है. रिसेंटली ब्लैक हैट में नजर आया आमिर खान का ये लुक दरअसल उनकी अपकमिंग फिल्म धूम 3 का एक धमाकेदार लुक है. आमिर फिल्म में भी इसी लुक में नजर आएंगे. सोर्सेस का कहना है कि आमिर अपनी यूनिक फिल्म प्रमोशन स्ट्रेटेजी को फॉलो करते हुए हैट वाले लुक में जानबूझकर पब्लिक अपीयरेंस दे रहे हैं, जिससे उनके इस लुक को लेकर बस क्रिएट हो. सोर्सेस की माने तो रणबीर कपूर और कटरीना कैफ बच्चन के घर पर हुए रीसेंट बैश में कपल की तरह स्पॉट किए गए हैं. पार्टी में मौजूद रहे सोर्सेस की माने तो मीडिया से अपने रिलेशनशिप को छिपाने वाले इन स्टार्स ने बच्चन के बैश में बाकी बॉलीवुड सेलेब्स के सामने साथ नजर आने में कोई हिचक नहीं दिखाई. रणवीर सिंह का कहना है कि उनकी अपकमिंग फिल्म रामलीला बॉक्स ऑफिस पर 500 करोड़ कमाएगी. 500 करोड़ नहीं कमाए रामलीला, 500 करोड़ नहीं कमाए रामलीला. वैसे बता दें कि टॉप ग्रॉसर का सबसे ताजा रिकॉर्ड शाहरुख खान की चेन्नई एक्सप्रेस का है. उससे पहले ये रिकॉर्ड आमिर की 3 इडियट्स के नाम था. रिसेंटली खबर आई थी कि सलमान खान की अपकमिंग फिल्म जय हो के राइट्स 110 करोड़ में बिक गए हैं, लेकिन अब सुनने में आ रहा है कि सलमान खान और सोहेल खान इस न्यूज से नाराज हैं. सोर्सेस की माने तो इसकी वजह ये है कि जय हो की डिस्ट्रीब्यूशन डील अभी तक लॉक नहीं हुई है. रिपोर्टेडली फिल्म के मेकर्स यानी खान फैमिली 4 बड़े प्रोडक्शन हाउसेज से बात कर रहे हैं और उन्हें उम्मीद है सलमान की लास्ट रिलीज से 1 साल बाद आ रही इस फिल्म की डील उन्हें 180 करोड़ तक का अमाउंट दिलवा सकती है. और अब वक्त है जाने का हमारे ट्विटर क्वेश्चन पर क्या है ऑडियंसेस का रेस्पॉन्स. डू यू थिंक SRK ओवर प्रमोट्स हिज फिल्म? ये था हमारा आज का ट्विटर क्वेश्चन फॉर आवर व्यूअर्स. आइए देखते हैं क्या है उनका रिएक्शन. नो वे, ही जस्ट ट्राइज हिज बेस्ट दैट पीपल हियर एंड ओवरसीज नो दैट हिज फिल्म इज रिलीजिंग. दिस इज नॉट ओवर प्रमोटिंग. हु डज नॉट? यस, ही प्रमोट्स हिज मूवी सो मच, बट इट्स अ मस्ट फॉर एवरी मूवी नाउअडेज. नो, more the marketing, more it's good for him. Such innovation attracts attention. He promotes his films really well.
Well, with this, it's a wrap. Planet Bollywood News में कल हम फिर लौटेंगे लेकर बॉलीवुड की और भी लेटेस्ट न्यूज एंड गॉसिप. Till then, keep watching Zoom, India's number one Bollywood channel.